अस्सलाम वालेकुम, मैं क्लास कैसे हैं बेटा? आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। आज हम नाइन्थ क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 1.6, क्योंकि ओवरऑल जो है ना पहले चैप्टर में से 1.6 में से ही क्वेश्चन आता है, तो ओवरऑल वो भी क्रैमर रूल में आता है। आज हम क्रैमर रूल को ही प्रूव करेंगे बेटा। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, यहाँ से हमारे पास कोई इक्वेशन दी गई है उसके मुताबिक हम उसको करेंगे बच्चे। तो देखिए बेटा, ये हमारे पास पी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स बन रही है, कौन सी मैट्रिक्स है? ये 2, ये -2, ये 3, ये 2। यानी हमारे पास जो है ना बच्चे, हम उनके कोफिशेंट लिखते हैं। ये हमारे पास 2 है, 2 लिखा, ये -2 है, -2 लिखा, ये 3 है तो 3 लिखा, 2 है तो 2 लिखा। ठीक हो गया ना बेटा? तो इसी तरह से हमारे पास कौन से वेरिएबल यहाँ यूज हो रहे हैं वो लिखेंगे हम, एक्स और वाई यूज हो रहे हैं बच्चे। तो इसी तरह से हमारे पास ये इक्वालिटी के बाहर जो है ना, ये कौन से यूज हो रहे हैं? 4 और 6। ठीक हो गया। तो इसी तरह से सबसे पहले हम जैसे पहले मेथड पढ़ा था, जो कल हमने पढ़ा है उसके मुताबिक हम करेंगे। सबसे पहले ए का हम डेट लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 -2 3 एंड 2, इसका हम डेट लेंगे बच्चे। कैसे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ -2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक हो गया बेटा, ये 2 2 4 -2 3 6 हमारे पास 10। तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, कल हमने ये चीज़ प्रूफ की थी बच्चे। तो क्योंकि हमारे पास जो है ना 0 के अलावा कोई नंबर आ गया है, तो इस वजह से हमारे पास ये जो है ना, इसका हमारे पास रिजल्ट आता है 10। तो इसी तरह से अब हम कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे बच्चे। तो हम ए एक्स की वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास क्या है ए एक्स, हम फार्मूला लिखेंगे क्रैमर रूल में कैसे है, ए एक्स का वर्ड ओवर ए का वर्ड। तो देखिए बेटा, अब ये जो चीज़ है ना, ये वाली, तो ये पहले कॉलम पे आ जाती है, तो इसका मतलब है ये वैसे रहेगी, ये 4 और 6 या 2 और 3 पर आ जाएगा, 4 6 -2 एंड 2, उसका वर्ड ओवर ए का वर्ड। ये रिजल्ट आपने क्या निकाला है? तो देखिए बच्चे, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर ये हमारे पास 10। तो बच्चे ये एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाता है, 4 2 8 -2 6 12 ओवर 10। तो ये हो जाता है बेटा 12 और 8 कितने हो जाते हैं, 20 ओवर 10 10 1 10 10 2 20। तो x इज इक्वल टू 2, देख रहे हो ना बेटा। तो इसी तरह से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्रैमर रूल में क्या होता है, ए वाई उसका वर्ड ओवर ए का वर्ड। ठीक हो गया। तो बेटा ये वाली चीज जो है ना, ये दूसरे कॉलम पे आ जाएगी, तो इसका मतलब है पहली चीज वैसे रहेगी 2 एंड 3 4 एंड 6। ठीक हो गया बच्चे, और एक का वर्ड हमारे पास क्या है 10। तो इसको देखिए, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 6 -3 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 10। तो बेटा ये 2 6 12 -3 4 12 ओवर 10, तो ये 0 ओवर 10 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। तो देख रहे हो बच्चे, x इज इक्वल टू हमारे पास है बेटा 2 और y इज इक्वल टू हमारे पास है 0। तो ये हमारे पास इनका आंसर मिला है। तो ये सारे का सारा जो है ना क्रैमर रूल ऐसे ही है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस करें, वो बार बार समझें। तो उसके बाद अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछे, उसके बाद हम इसको जो है कम्बिनेशन के मुताबिक ही मैं आपको करवा रहा हूँ बेटा, जो चीज़ शॉर्ट में करवा रहा हूँ, जो लॉन्ग में करवा रहा हूँ। तो इसी एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आपका लॉन्ग जो है ना नाइन्थ क्लास वाले आपका 1.6 में से ही बनता है। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हम सब बच्चों का थैंक्स, शुक्रिया।